हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो वेलकम आपका एक और व्लॉग में। दूसरा व्लॉग कर रहा हूँ। पीछे का व्लॉग जो आपने देखा होगा वो बाय ट्रेन हम ट्रैवल कर रहे थे, तो बानिहाल रेलवे स्टेशन हम पहुँचे। वहाँ से यहाँ तक हम आ चुके हैं और ये बानिहाल का अभी टेम्परेरी बस अड्डा है। तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं रामबन की तरफ। हमारा ट्रैवल जो है बाय रोड होने वाला है यहाँ से। तो देखते हैं कैसा क्या सफ़र रहेगा, व्लॉग में बनी रहेगा। थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ का अपडेट दे दूँ। सो लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पे बानिहाल में आया था, 1.5 महीना हो गया है। कंस्ट्रक्शन जो चल रही है यहाँ पे फ्लाईओवर की, इसकी अपडेट आपने देखी थी। तो आज देख लें, यहाँ पे थोड़ा बहुत डेक तैयार हो चुका है इस एरिया में, और पीछे तो अभी पिलर्स ही तैयार हैं। बाकी तो इस तरफ में भी थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा फ्लाईओवर का अपडेट। आप यहाँ पे देख लें, ये जो फ्लाईओवर बनी हुई है तो बीच में भी काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये टेम्परेरी बस अड्डा है, यहाँ से तकरीबन बहुत सारी जगह के लिए व्हीकल्स निकलती हैं। रामबन की और भी जाने वाली है एक व्हीकल। एज यू नो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है रामबन बानिहाल एरिया में। तो वी होप कि आज हमें ट्रैफिक जाम देखने को ना मिले और हम यहाँ से सेफली रामबन पहुँच जाए। तो निकलते हैं यार यहाँ से, और आगे क्या रहता है देखने वाली बात। मीर एक्सप्रेस, ठीक बढ़िया। तो ये अपना कज़न ब्रदर है मिस्टर तारिक, जो कि अपनी व्हीकल लेके यहाँ पे थे बस अड्डा में। ये पोगलपरस्तान के रहने वाले हैं। सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं बानिहाल से। ये आप देख रहे हैं फ्लाईओवर के नीचे से हम आगे गुजरते हुए, और ये कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं यहाँ पे 4 लेन। बानिहाल से अगर रामबन की हम बात करेंगे तो हार्डली 38 किलोमीटर्स होगा। रेलवे स्टेशन बानिहाल से यहाँ तक बैन बाज़ार जो बानिहाल का है यहाँ तक 2 किलोमीटर्स है। तो टोटल अगर हम रेलवे टू रामबन बताएं तो वो 40 किलोमीटर्स आ जाता है। तो यहाँ से हार्डली 1 घंटा रखता है रामबन तक, तो 1 आवर में हम पहुँच सकते हैं, बट तब जब ट्रैफिक जामिंग ना हमें देखने को मिले। यूजुअली हमें इस वाले रूट पे जो रामबन बानिहाल सेक्टर है बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जामिंग देखने को मिलता है। वी होप कि आज हमें कोई भी ट्रैफिक जाम देखने को ना मिले और हम जल्द से जल्द अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। आपको मैं इस साइड का व्यू बता सकता हूं, ये चमलवास का एरिया है और यहां पे आप देख सकते हैं एक रेलवे ब्रिज जो कि टनल्स दोनों साइड इसके हैं। तो ये वाला खूबसूरत मंज़र है यहाँ से। फ़िलहाल ये वाली प्लेस पे हम पहुँच चुके हैं, शायद यहाँ का नाम सरबगनी है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर फ्लाई ओवर्स बन रहे हैं दोनों साइड में, आप देख रहे हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन इस साइड में चल रही है इसकी भी अपडेट आप देख लें कहाँ तक काम पहुँचा हुआ है। तो एक लाइन यहाँ पे भी तकरीबन कंप्लीशन की ओर जा रही है, दूसरी लाइन में अभी कुछ काम बाकी है। हालांकि यहाँ का नाम मुझे बिल्कुल परफेक्टली पता तो नहीं है, जो लोग यहाँ के लोकल्स मुझे देखते हैं वो करेक्ट मुझे कर सकते हैं कि यहाँ का नाम यही है या कुछ और है। तो ये ऊँची ऊँची हिल्स आप यहाँ से चेक करें, बहुत ही ऑसम व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ से यार। और ये ग्रीनरी आप चेक करें, वाओ इट्स अमेजिंग। तो बहुत ही मज़ा आता है इस एरिया को वॉच करने में जब हम ट्रैवल करते हैं, बट एक दिक्कत आती है ट्रैफिक जामिंग की। फ़िलहाल तो हम ट्रैफिक जाम में अभी तक नहीं कहीं फंसे हैं, वी होप कि हमें बिल्कुल ट्रैफिक जाम ना मिले। तो यहाँ पर भी एक फ्लाई ओवर की कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, पिलर्स बन चुके हैं और इन पर अभी स्पान डलना बाकी है। तो ये वाला आप देख लें यहाँ से, तो पूरे रामबन तक आपको फ्लाईओवर्स, टनल्स वगैरह ये सब मिलता रहेगा रास्ते में। तो जो जो कुछ आता रहेगा मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। बहुत ही लंबे एरिया तक आपको यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में नीचे जो नाला है इसके साथ साथ में फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट हो रही है। और आगे चल के हमें क्या देखने को मिलता है देखते हैं ये भी हम। तो आज हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत गर्मी तो लग ही रही है, वैसे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा क्लाउडी वेदर हो चुका है इस साइड में, तो उतनी भी ज़्यादा गर्मी नहीं है। यहाँ से आप चेक करें ये एरियाज़, इधर एक बहुत ही हाइट वाला ब्रिज आपको मिल जाएगा। ये जो ब्रिज है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, ये नेशनल हाईवे 44 पे सबसे ऊंचा ब्रिज आपको मिल जाएगा। देखते हैं हम ये हमें कब से फंक्शनल देखने को मिलेगा। फ़िलहाल तो इस पर वेकुलर मूवमेंट नहीं हो रही, तो जब यहाँ पे वेकुलर मूवमेंट होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो इसके बिल्कुल हम साथ में जो टनल बनी हुई है ये फंक्शनल है, इसमें इंटर हो चुके हैं और यहाँ से एग्ज़िट भी हो गए। छोटी मोटी ही टनल है, और इस टनल को जो ही हम एग्ज़िट करेंगे तो सामने हमें एक और टनल छोटी मोटी मिल जाती है। छोटे छोटे टनल है और इन छोटे टनल से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है वो कट हो जाता है, जो कि पहले हमें बहुत आगे से घूम के आना पड़ता था। यहाँ देख लें आप, जो पहले रोड की कटिंग हुई थी उससे कितना स्लाइड हो गया था ऊपर तक।
लेकिन अब इन्हीं जगह को रिप्लेस करके यहाँ पर टनल्स बनाए जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं दूसरी तरफ का एरिया, शायद यहाँ का नाम कंगा है, तो मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर गलत हूँ मैं, कंगा ही है शायद उस तरफ का नाम। वहाँ से हमें कोई व्यूअर हैं तो वो हमें बता दें असल नाम क्या है वहाँ का, परनौत या कंगा होगा। तो यहाँ एक और प्लेस पे एक और फ्लाईओवर आपको देखने को मिलेगी। तो रामबन बानीहाल सेक्टर में जो भी काम चल रहा है आप खुद वॉच कर लें। इस वाले फ्लाईओवर को भी आप देख सकते हैं, ये उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में ये लास्ट टाइम था, तकरीबन एक डेढ़ महीना पहला मैंने यहाँ पे अपडेट दी थी आपको। तो ये वाला फ्लाईओवर स्टिल उसी कंडीशन में है जैसा पहले था, कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। रोड की कंडीशन देख लें इसके सामने से क्या हो रही है, हालांकि काम चल रहा है तो हमें तो ये सब फेस करना पड़ेगा ही, जब तक ना कंप्लीट हो जाए। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डस्ट होती है इस रोड पे। तो अब हम पहुँच चुके हैं कुछ ऐसे एरिया पे जहाँ से हम रिवर चिनाब का भी व्यू देख सकते हैं। आप देख लीजिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है, और यहाँ पे पूरी मशीनरी वगैरह आपको देखने को मिलेगी। और इस तरफ में भी एक कट एंड कवर टनल हमारे लेफ्ट साइड में बनने जा रहा है आप देख रहे हैं, और साथ में ही यहाँ पे भी एक टनल देखने को मिलती है जो छोटी मोटी होगी शायद। तो ये बहुत ही पहले टाइम से फंक्शनल है ये वाली टनल्स। तो कुल मिला के हमें बहुत ज़्यादा टनल्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं रामबन बानीहाल सेक्टर में, और अभी तो कुछ टनल्स कंस्ट्रक्ट भी हो रही हैं। अगर ये चीज़ इन्होंने बहुत पहले की होती टनल्स और फ्लाईओवर्स बनाए होते स्टार्टिंग में तो ये बहुत पहले कम्प्लीट हो चुका होता, बट ये जो पहले कटिंग बहुत ज़्यादा हुई जिसके चलते बहुत ज़्यादा स्लाइड्स हुई और बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, और साथ में बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। ये शायद आखिरी टनल होगी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अब हम सेरी रामबन के करीब पहुँचने वाले हैं। और यहाँ से आप व्यूज़ चेक कर सकते हैं इस तरफ के भी। तो अभी तक एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली जो कि मुझे यूजुअली देखने को नहीं मिलती थी, वो थी ट्रैफिक जैमिंग। ट्रैफिक जैमिंग अभी तक मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिली, आज थोड़ा हमें बहुत ही अच्छा खाली खाली सा रोड मिला और हम जल्दी से यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सेरी रामबन का एरिया, BVM स्कूल की बस आपको सामने देखने को मिलेगी, और हम यहाँ अब पहुँच चुके हैं बिल्कुल तकरीबन 50 मिनट्स में हम यहाँ आ चुके हैं। तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम ट्रैफिक जैमिंग में नहीं फंसते हैं इस एरिया में, आज फर्स्ट टाइम ही हुआ है बहुत टाइम के बाद कि आज हम यहाँ ट्रैफिक में नहीं फंसे। शायद यहाँ पे कुछ कल VIP मोमेंट कोई होने वाली है जिसके चलते ये आज हमें खाली खाली मिला। ये वाला एरिया आप वॉच करें, उस तरफ रिवर चिनाब के बहुत ही सुंदर एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो रामबन हम पहुँच चुके हैं, बीच में जो भी कुछ आया मैंने आपके साथ शेयर करने की पूरी पूरी कोशिश की है। तो आगे अभी हम क्या देखेंगे, फ्लाईओवर रामबन वो भी देखने को मिलेगा हमें। अब देखते हैं वहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, क्या अपडेट्स हैं। पहुँचने वाले हैं हम, यहाँ से शुरू होता है जी अपना रामबन टाउन का व्यू। ये देख लें आप यहाँ से रामबन टाउन, और इस तरफ में कुछ क्या मैग्नमाइजेशन हो रही है इस वाली लाइन पे। तो फ्लाईओवर रामबन की बात करें, मैं लास्ट टाइम जब इस पे अपडेट दिया था तब से अब तक तकरीबन 1.5 मंथ हो चुका है, उस टाइम पे ये सारा काम यहाँ पे नहीं हुआ था, लेकिन आज आप देख सकते हैं मैग्नमाइजेशन हो रही है इसके इस एंड पे, और वहाँ पे भी हमें एक लाइन तकरीबन कंप्लीट देखने को मिल रही है। तो आगे क्या कुछ इसकी अपडेट्स होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा ज़रूर। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं इसके इस वाले एंड पे, तो यहाँ पर भी इसका काम अभी चल ही रहा है। आप देख सकते हैं ये वाले एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही है इस टाइम पे यहाँ, और गर्मी भी तेज़ है इस एरिया में। थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैमिंग देखने को मिल रही है, यहाँ से पीछे तो हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं देखने को मिला था, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, वी होप कि ज़्यादा ना हो। अब तो वैसे हम पहुँच ही चुके हैं, ये फ्लाईओवर रामबन का व्यू आप चेक करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं रामबन के कैफेटेरिया मोड़ पे। आप देख लें यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है जिसके चलते बहुत ही ज़्यादा डस्ट। वाओ यार ये देखो क्या हालत हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल तबाही है यार। जब तक ना यहाँ पे काम कंप्लीट होगा तब तक यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी,
तो आई होप ये व्लॉग आपको ज़रूर किसी न किसी एंगल से पसंद आया होगा। तो यहाँ तक जो भी व्लॉग देख चुका है अभी तक, एक रिक्वेस्ट ज़रूर आपसे रहेगी कि शेयरिंग बहुत कम हो रही है, व्लॉग को ज़रूर शेयर करें जहाँ पे भी आप वॉच कर रहे हैं, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके अलावा अपनी जो आपकी सजेशंस हैं वो कमेंट्स में देख सकते हैं। तो आई थिंक इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग से नए व्लॉग में आपके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।